बिहार में किसान भाई के लिए एक और चीज है जो सब्सिडी वाला मैटर रहता है जी, उनके लिए बहुत जरूरी सूचना यह है कि बिहार सरकार रूल लेके आई है जी, कि जो डीलर बिहार से होगा, जिनका बिहार जीएसटी सर्टिफिकेट बिहार से होगा उनको ही वो सब्सिडी देगा, अदरवाइज वो अगर और कहीं से लेगा तो वो सब्सिडी नहीं मिलेगी। क्या सब्जियां ना टूटे, बड़ा बड़ा वाला ट्रेलर होगा तो वो एक उसको नहीं उठा सकेंगे एक हाथ से, इसको कह रहा एक जगह से लेकर दोबारा से घुमा के दूसरे, मैंने जो फेंडर है वो भी मजबूत कर दिया है, आप देखिएगा इसमें, ये देखिए बहुत खूबसूरत सा मशीन दिख रही है। हाँ। कौन सा मशीन है सर? हमको लगता है यही धूम मचाएगा बिहार। बिल्कुल जी, ये धूम मचाने वाला है, ये हमने 7.5 HP डीजल इंजन मैनुअल स्टार्ट में लाए हैं। दोस्तों नमस्कार, सभी किसान भाइयों को एक बार बिहार की धरती से सत सत प्रणाम। दोस्तों आज मैं आप पहुंचा हूं बिहार मुजफ्फरपुर, और आप लोग देख सकते हैं उन्नत किसान का यहां पर पावर टिलर का शोरूम खुला गया है। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोग देख सकते हैं ये जो रोड आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रोड आपका जो भगवानपुर से छापरा जाने वाला रोड है वही पर खुला गया है, मनोज सर का शोरूम खुला गया है। उसका राइट साइड में देखिएगा तो पंडित मसाला दुकान आपको दिखाई देगा, अगर उसका लेफ्ट में देखिएगा तो आप टावर देख सकते हैं, टावर लगा हुआ है, टावर के बगल में ही सर का जो है कंपनी खुल चुका है। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आइए सर से मिलाते हैं आपको, कौन कौन सा प्रोडक्ट सर दिखाएगा तो कैमरामैन सामने करिएगा। तो आप लोग देख सकते हैं काफी सारा मॉडल यहाँ पर रखा हुआ है, कुछ कस्टमर भी आया हुआ है। तो मनोज सर से आज हम बातचीत करेंगे। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर, किसान मित्र चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, और मैं बताना चाहूंगा कि आप बिहार मुजफ्फरपुर में कब खोल दिए सर कंपनी? सर अभी मैंने आज ही इसका खोला हुआ है, सेटअप जमाया हुआ है जी, और जल्दी हम इसका उद्घाटन करके और सबके लिए सेल चालू करते हैं। तो आप किसान भाइयों के लिए क्या कुछ खुशखबरी, नया ब्रांच में कुछ खुशखबरी देने वाले हैं? बिल्कुल जी, देने वाले नई ब्रांच है जी, खुशखबरी जरूर देंगे। आज हम किसान भाइयों के लिए कुछ नए मॉडल भी लॉन्च करने वाले हैं जी, जो अभी तक किसान भाइयों ने नहीं देखे होंगे हमारे। अच्छा, मत कुछ नया मॉडल अब दिखाने वाले हैं किसान भाई। बहुत बढ़िया बात है दोस्तों, कुछ नया मॉडल मनोज सर आज दिखाएगा। और ये बिहार मुजफ्फरपुर एक बार आप बता दो सर कहाँ पर खुला हुआ है आपका? सर जो हमारा एड्रेस है ये मुजफ्फरपुर से जो कर्जा थाना जाते हैं तो बीच में एक जगह पड़ती है नरहर सराय। अच्छा। तो ये नरहर सराय और मेन रोड है, ये छपरा वाला हाईवे है पूरा जी, और इसी के बीच में आप देख सकते हैं हमारा शोरूम है जी। और यहाँ पे जब आएंगे तो आपको ऊपर बोर्ड भी देखने को मिल जाएगा जी। और एक बार अगर कोई किसान भाई बाहर से अगर नहीं जानते तो उनसे ये पूछ लिए, ये कर्जा में पंडित मसाला के यहाँ उतरना है, पंडित मसाला के ऊपर साइड में आपका कंपनी खुला गया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। और तो सर आज कौन कौन सा मॉडल आप दिखाने वाले हैं किसान भाइयों को? सबसे पहले हम अपने किसान भाइयों को जो हमारा कामा इंजन का 12 HP का आता है डीजल इंजन में जी, वो दिखाने वाले हैं। इसमें हमने कुछ नए मॉडिफिकेशन भी किए हैं, जैसे कि आप जानते हैं हम लोग जो 12 HP में काम करते हैं वो प्योर कामा इंजन के साथ करते हैं, ठीक है। इसमें हमने प्योर कामा इंजन 12 HP का लगाया हुआ है सेल्फ स्टार्ट का, और देखिएगा 5x12 के बड़े टायर है, डबल फेंडर में है, और साथ साथ में हमने हैंडल में इस बार इसमें टूल बॉक्स में लाइट लगवा दी है। इसे लाइट दिया हुआ है। इससे पहले क्या था, लाइट नहीं था, किसान भाइयों को क्या कहीं शाम हो गई तो आने जाने में थोड़ी सी परेशानी ना करना पड़े, ये कर दिया। इसके साथ साथ जो मैंने हेच है इसकी वो HP बदल दी, पहले इसमें पेट्रोल वाली ऐसे लगाते थे छोटी, अभी हमने इसमें क्या किया, इसमें 3 पिन डाल दी है और बहुत ही हैवी कर दिया है, जैसे कि ये बड़ा है। अच्छा। जब काम है तो इसमें लोड भी हम बड़ा डालते हैं, ट्रॉली भी लगाएंगे तो चांसेस रहते हैं, इसलिए मैंने इसको चेंज कर दिया है जी। और इसका हैंडल का लंबाई भी मैंने बढ़ा दिया है। अच्छा। और ये ग्रिपिंग बहुत अच्छी करता है, बहुत अच्छे से इसको किसान भाई पकड़ के आप चला सकते हैं। तो बहुत सारा अभी डुप्लीकेट भी निकल चुका है। हाँ। तो आपका क्या प्रूफ दिखाएंगे किसान भाइयों की ये इंजन आपका पूरा ओरिजिनल प्योर कामाई है? देखिए सर, उसके लिए कुछ किसान भाई देख सकते हैं कि वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो ओरिजिनल कामा इंजन है या नहीं है। सबसे पहले दिखाना चाहेंगे इसके हेड पे कामा एम्बोज होगा। अच्छा। यहाँ देखिए कामा लिखा हुआ है, यहाँ पे कामा एम्बोज होगा जी। साइलेंसर पे कामा एम्बोज होगा। ओके। ठीक है जी। और इसके साथ आप दूसरी तरफ आइएगा जो होर्डिंग पे, यहाँ पे कामा एम्बोज होगा जी। इसके बाद यहाँ पे कामा एम्बोज होगा जो उसकी हाउसिंग बॉडी है, ठीक है, ये एम्बोज होगा। इसके साथ साथ यहाँ पे QR कोड होगा। अच्छा। आमतौर पर कुछ लोग स्टिकर भी होते हैं, अब वो स्टिकर भी हो सकता है, साथ साथ में चाहे तो किसान भाई यहाँ पे भी ये कोड होगा। अच्छा सर, इसमें स्टिकर हमको, ये जो कोड है ये स्टिकर तो नहीं है? नहीं 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 सर, ये स्टिकर नहीं है, देखिएगा। अच्छा, इंजन में कोड मारा, इंजन में कोड है, ये लेजर प्रिंटेड है। ये हमको लगता है कि ये नहीं छूटेगा, ये बदलेगा नहीं, ना ये छूटेगा ना ये बदलेगा। ओके। ठीक है जी, ये ओरिजिनल कामा इंजन की पहचान है जी।
इसके साथ साथ हम एक और नया डीजल इंजन आज लॉन्च करने वाले हैं। अच्छा, अरे यार ये तो बहुत खूबसूरत सा मशीन दिख रही है। हाँ। कौन सा मशीन है सर? हमको लगता है यही धूम मचाएगा बिहार। बिल्कुल जी, ये धूम मचाने वाला है। ये हमने 7.5 HP डीजल इंजन मैनुअल स्टार्ट में लाए हैं और इसको हम लोग पेट्रोल के रेट में लाए हैं। आमतौर पे क्या होता है, जो रेट रहता है जो पेट्रोल का वेरिएंट का रेट है उसी सेम वेरिएंट में हम लोग डीजल इंजन ला दिए। ये 7.5 HP पेट्रोल 7.5 HP डीजल इंजन मैनुअल स्टार्ट में है, आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ में इसमें हमने नैनो क्लच का गियरबॉक्स लगाया है। ओके, यहाँ देखिएगा, और नैनो टेक्नोलॉजी वाला, नैनो टेक्नोलॉजी वाला है डीजल इंजन में। इसके साथ साथ हमने इसमें भी लाइट का प्रोविजन दे दिया है और इसमें दो फॉरवर्ड गियर मिलेंगे, एक रिवर्स गियर का प्रोविजन है। Okay. और साथ साथ में आप देखिए इसका एयर क्लीनर भी मैंने बहुत हैवी वाला लगवाया है। Okay. हम आपको दिखाना भी चाहेंगे, इसमें जो बड़े में लगाते हैं वही हमने छोटे में भी इसको लगाया हुआ है। जैसे कि गोविंद भाई आप देख सकते हैं इसमें एयर फिल्टर लगाया है। जी. इसमें डबल एयर फिल्टर लगाया है। आमतौर पर जो कोई भी इंजन आता है उसमें सिंगल एयर फिल्टर होते हैं, हमने इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दो एयर फिल्टर लगाया है। साथ साथ में ऑयल बाथ टाइप है, इसमें ऑयल पड़ेगा। Okay. ठीक है, 20 ml ऑयल डाल के ये फिल्टर है। इसमें क्या है, कभी ये इंजन डस्ट नहीं खींचेगा, ऐसे रख के किसान भाई इसको नीचे से ऐसे लगा सकते हैं। डस्ट नहीं खींचेगा तो इंजन का तो लाइफ बढ़ना ही, बिल्कुल लाइफ बढ़ना है। और इसमें कभी कोई खराबी होने के चांस बिल्कुल भी नहीं रहने वाले हैं। खूबी दिखाने वाला है ये देखिए। और इसके साथ साथ जो मैंने बम्पर लगाया है ये गार्ड है, जैसे भाई दबे कहीं डीजल इंजन है ठीक है और कहीं टकरा जाता कुछ हो जाता है तो इसमें टूटने फूटने के चांस नहीं रहते, मतलब जैसे सेफ्टी के लिए। हाँ। के लिए है, अगर एक्सीडेंट वगैरह हो तो ये गार्ड इसको संभाल ले। बिल्कुल जी बिल्कुल। और इसके साथ साथ आप देखिएगा इसमें मजबूत फेंडर लगाए हैं। अच्छा। और चौड़े लगाए हैं। आमतौर पर देखिएगा इस तरीके फेंडर नहीं आते, आप देखिए कितना मजबूत है। ठीक है, ऊपर से है मतलब अंदर से भी ये मजबूत हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मजबूत फेंडर। और साथ साथ में मैंने इसकी जो लंबाई है वो भी बढ़ा दी है, जैसे भाई जब चलते समय कुछ धूल मिट्टी ऊपर आ जाती थी वो ऊपर आएगा, बिल्कुल उसके कोई चांस नहीं है। इसमें मैंने दो और एक्स्ट्रा से इसमें कवर लगा दी है। ओके ठीक है सर। ये इसका गियर वगैरह का थोड़ा सा, इसमें गियरबॉक्स वही है और हैवी वाला गियरबॉक्स मैंने लगाया हुआ है इसका, और वही पीटीओ शाफ्ट है। इसमें पीटीओ शाफ्ट का प्रोविजन दिया है, जैसे किसान भाई को रिपर लगाना हो, वाटर पंप लगाना हो, स्प्रे का काम करना हो, ये सारे काम किसान भाई इससे कर सकते हैं। और 4x8 के बढ़िया रेडियल टायर दिए हैं, इसमें ट्यूब वाले टायर हैं। और उसके बाद सर हमको और एक यूनिक मॉडल, इससे पहले हमको लग रहा है इसका टैंकी उनकी था बहुत बड़ा लग रहा है, ये कौन सा मॉडल हो सकता है सर, इसके बारे में थोड़ा सर? ये भी मेरा नया मॉडल है, पहले 7.5 HP जो हमारा मॉडल आता था वो थोड़ा सा हल्का, आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो रहता है 7.5 HP में, हमने बहुत ही अच्छी क्वालिटी में समय लेके आए हैं। Okay. हमारा सारे पहले जो हम लोग फ्यूल टैंक लगाते थे वो 3 L 600 g का फ्यूल टैंक होता था। जी. अभी हमने इसमें 5.5 L का कर दिया, 2 L का फ्यूल टैंक बड़ा कर दिया है। जी. और साथ साथ में जो इसका इंजन है वो भी हैवी कर दिया है। Okay. बहुत ही हैवी इसमें इंजन है। और इसका जो है ना एयर फिल्टर है वो भी मैंने चेंज कर दिया है, इसमें सुपर टर्बो का हमने एयर फिल्टर लगाया है। जी. आप देखिएगा यहाँ पे, ये देखिए सुपर टर्बो का मतलब क्या होता है, किसान भाई को थोड़ा समझाइए। सुपर टर्बो का मतलब ये होता है, देखिए यहाँ पे हमने इसके दो फिन्स दे दिए हैं। Okay. यहाँ से प्रॉपर हवा जाएगी और इसमें जो सर्कुलेट होकर हवा जाएगी। अच्छा। आम जो फिल्टर होता है उसमें क्या डायरेक्ट हवा जाती है, जैसे यहाँ से ये हवा खींचेगा और इसको रोटेशन में लेगा, रोटेशन में लेके इसके साथ साथ में और भी हम इसमें दिखाते हैं, इसमें हमने डबल फिल्टर लगाया हुआ है। ये है इसके साथ साथ एक फिल्टर ये है, ठीक है, दूसरा फिल्टर ये है। ओके ठीक है, तीसरा फिल्टर ये है, मतलब टोटल इसमें 3 फिल्टर लगाए हैं। जाएगा तो सब ये फिल्टर को यूज करने के बाद ही वो घुस पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, कोई चांस ही नहीं है, कोई चांस नहीं है, उसके चांस ही मैंने खत्म कर दिया कि धूल मिट्टी कैसे भी ये घुस ही ना पाए। ठीक है, और ऐसे इसको किसान भाई लगा सकते हैं। और इसके साथ साथ हम बताना चाहेंगे इसमें मैंने साइलेंसर भी बहुत ही हैवी कर दिया है। Okay. आप देखिएगा यहाँ पे जो साइलेंसर रहता है इसको मैंने बहुत ही मजबूत लगा दिया है, आम बुडेर के मुकाबले में बहुत बढ़िया। बिल्कुल जी बिल्कुल। और इसमें जो गियर है वो भी नैनो और इंडियन दोनों मैंने कर दिया है। अच्छा। आमतौर पे क्या होता है, पहले दो तरीके के गियर बॉक्स होते थे, या तो आप उसको नैनो टेक्नोलॉजी में चला लो या आपको इंडियन स्टैंडर्ड में चला लो। ओके। हमने इसमें दोनों में कर दिया, आप इसको नीचे करेंगे तो इंडियन स्टैंडर्ड में चलेगा। अच्छा। अगर इसको ऐसे ऊपर करके लगा लेंगे तो नैनो टेक्नोलॉजी में चलेगा। मैंने जो फेंडर है वो भी मजबूत कर दिया है, आप देखिएगा इसमें, ये देखिए दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इतना मजबूत मशीन। हमारा जो वजन है
68 किलो वजन है। कितना एचपी का हो गया सर ये? सर 7.5 HP पेट्रोल इंजन मैनुअल स्टार्ट है और ये इसके तो कोई जवाब ही नहीं, बहुत ही लाजवाब परफॉर्मेंस के साथ है। वीडियो में 5 से अंत तक बनी रहेगा और लाइक से सब्सक्राइब भी करें, काहे कि उन्नत किसान मोरल सर ने जो आज प्रोडक्ट आप लोगों को दिखाया एक से बढ़कर एक नाम मॉडल लेकर के आया है। और हमको ये छोटा सा एक देखिए सर, ये हमारा 2 HP में टू स्टॉक का है। अच्छा, ये भारत में ये सबसे कम नैनो ट्रैक में यही आ रहा है। इससे मतलब इससे छोटा नहीं आता, इससे छोटा कहीं नहीं आता, किसी के पास भी नहीं है। आप पहले पहले पकड़ने के लिए दिया ये एक हाथ में, मतलब देखिए ये पकड़ने के लिए इसलिए दिया है जैसे किसान भाई ऐसे गुड़ाई कर रहे हैं, ठीक है। और प्रॉपर एक्सीलेटर इसका स्टॉप का फंक्शन है। भाई ये कौन सा स्टॉप है? ये स्टॉप है भाई, चलते चलते आपको कहीं रोकना है तो इसको आप वहीं पे प्रेस कर दीजिए अंगूठे से, वहीं बंद हो जाएगा। ये एक्सीलेटर है, एक्सीलेटर है। जैसे दबाइएगा ये, जैसे स्कूटी चलाते हैं ना, जैसे एक्सीलेटर देंगे उतनी स्पीड पकड़ेगा, वैसे सेम स्पीड इसका है। और इसमें बहुत ही बढ़िया, बहुत ही हैवी, जैसे हमको एक रो में लेके जा रहे हैं, आपका काम खत्म हो जाए, ठीक है, सब्जियां ना टूटे। बड़ा बड़ा वाला ट्रेलर होगा तो वो एक उसको नहीं उठा सकेंगे एक हाथ से, इसको कह रहा है एक जगह से लेकर दोबारा से घुमा के दूसरे रो में रख लो। ये कौन कौन सा खेती में किसान भाई काम कर सकते हैं? इसमें सब्जी जैसे बंद गोभी हो गया, फूल हो गया, मटर हो गई, सोयाबीन हो गया, कोई भी ऐसी फसलें जो सिर्फ 1 फीट की दूरी में बोई जाती है, ठीक है। आमतौर पर बड़े भले इस वाले ट्रेलर तो आपको देखने को बहुत मिलेंगे, ये 1.5 फीट से कम में नहीं चलता। जो किसान भाई 2 फीट में सब्जियां बोते हैं, अपनी फसल बोते हैं, उसमें ये काम करता है। हाँ। और 1 फीट के लिए कोई भी कोई उपाय नहीं है पूरे इंडिया में। जी, जी। ये सबसे पहले मैं ही लेके आया हूँ इसको जी। तो ये बहुत बढ़िया मशीन निकाला आपने। तो सर अभी इसके बाद आप कौन सा मॉडल दिखाने वाले हैं? इसके इसके बाद जो हमारा ये 1.5 फीट का है, 18 इंच का, 3 HP का है, 2 स्ट्रोक का है इंजन, और ये भी बहुत ही बढ़िया और लाजवाब है। आप इसके ही फेंडर देखिए, मैं इसमें ही दिखाता हूँ कितना मजबूत है। ये देखिए आमतौर मतलब पे ये कोई प्लास्टिक नहीं है। प्लास्टिक कुछ लोग क्या कर रहे हैं आजकल, इसमें प्लास्टिक लगा के और बेच रहे हैं, और ऊपर से इतना बढ़िया है तो अंदर से भी तो मजबूत। बिल्कुल सर, देखिए अगर अगर मजबूत है तभी वो मजबूत दिख रहा है, अगर मजबूत नहीं होता तो नहीं दिखता वो। इसमें प्रॉपर तरीके से एडजस्टमेंट है, बढ़िया, बहुत अच्छे, लाजवाब। ये सर 3 HP का है, 2 स्ट्रोक में, मतलब इसमें भी बहुत किसान भाई बहुत बढ़िया से काम। बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद सर ये हमको लग रहा है अपने पावर फीडर में रिपर लगा दिया। ये कितना एचपी का मशीन है और इसमें रिपर लगा के कस्टमर को क्या पड़ेगा और ये किस प्रकार से काम करेगा, थोड़ा सा बता दीजिए किसान। गोविंद भाई, ये हमारा जो है ना, ये जो रिपर अटैचमेंट है जी, आपको पहले भी हम किसान भाइयों को दिखाए, ये मेरा बहुत ही बढ़िया और हैवी क्वालिटी में रिपर मैंने इसको लाया है, बहुत अच्छा इसका परफॉर्मेंस है। ओके। ठीक है, इसमें ना जो इंजन लगाया है ये 7.5 HP का पेट्रोल इंजन मैनुअल स्टार्ट में है विद फ्रंट व्हील के साथ। ओके। आप देखिएगा इधर फ्रंट व्हील एक मैंने लगाया है जो कि रिपर के लिए, स्पेशल रिपर के लिए है। अच्छा अच्छा। और फ्रंट व्हील का काम ही बनाएगा, फ्रंट व्हील का काम ही यही रहता है, जैसे ये चलेगा तो तभी ये नीचे हो जाएगा, तो ये बैलेंस बना के चले। ठीक है, और इसमें हमने 7.5 HP का हैवी ड्यूटी जापानी इंजन लगाया है जी। जो कि मैनुअली स्टार्ट है, बहुत ही अच्छा है। और इसका आप देख सकते हैं टूल बॉक्स, जैसे किसान भाई रात में रीपर का कटाई का काम करना चाहे तो उसके लिए एक ये लाइट का प्रोविजन दे दिया मैंने उसमें। ठीक है, और अगर रीपर की बात करें, ये बहुत ही हैवी और जर्मन टेक का मैंने इसमें गियरबॉक्स लगाया हुआ है और आप देखिएगा इसमें बहुत ही मोटी और मजबूत चद्दर है जिससे कि ये इसकी लाइफ बढ़िया बनी रहे। और जो मैंने इसमें ब्लेड, जो इसमें मैंने चैन लगाई है वो डबल चैन के साथ और डबल फिरकी के साथ है। आमतौर पर जो इंडिया में किसान भाइयों को मिलेंगे वो क्या होते हैं, कुछ चाइनीज रीपर होते हैं, कुछ लोकल भी होंगे तो सिंगल फिरकी के रहते हैं। उसमें क्या होता है, सिंगल फिरकी में किसान भाई सिर्फ धान गेहूं की ही कटाई कर सकते हैं, वो और फसलें नहीं काट सकते। जब ये डबल फिरकी का है, इसमें किसान भाई जैसे मूंग है, चना है, उड़द है, सोयाबीन है, ठीक है, गेहूं धान के साथ साथ ये भी फसलें किसान भाई उसकी कटाई कर सकते हैं, जिससे ये मल्टी क्रॉप रीपर बन जाता है। तो सर मैं उसके बाद देख पा रहा हूँ ये 2 मॉडल है और ये 7.5 HP सेल्फ स्टार्ट में आता है विद हेडलैम्प के साथ। अभी हमने इसमें 2 लाइटें लगा दी हैं, देख सकते हैं, और जो कि एलईडी लाइट है जिससे कि किसान भाइयों को जो रोशनी है बहुत ज्यादा मिल सकती है। इसके साथ साथ मैंने 2 ऑप्शन लेके आया हूँ, जो किसान भाई चाहते हैं हमको नैनो गियर में चाहिए उनके लिए हम नैनो गियर भी लेके आए हैं। जो किसान भाई चाह रहे थे कि हमको नैनो गियर नहीं चाहिए, हमको इंडियन स्टैंडर्ड क्लच चाहिए, उनके लिए हम इंडियन स्टैंडर्ड क्लच भी लेके आए हैं। दोनों ऑप्शन है, किसान भाई जो चाहे वो अपने हिसाब से ले सकते हैं। जैसे किसी को नैनो गियर चलाना अच्छा लगता है तो नैनो गियर ले सकते हैं। नैनो गियर सिस्टम ज्यादा था,
का। हाँ जी, ये नया सिस्टम आपने करवाया। बिल्कुल जी, बिल्कुल सर। तो सर, और किसान भाई को देख सकते हैं, इसमें मैंने जो टायर है वो 5-8 के मोटे टायर लगाए हैं। जैसे कि ये मोटे टायर लगाने से क्या है, किसान भाई ट्रॉली का काम हो गया, रीपर का काम हो गया, बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। अगर मोटे टायर होंगे तो हमारी ग्रिप ज्यादा बनेगी, ग्रिप ज्यादा बनेगी तो ये जो मशीन है वो लोड ज्यादा लेने की क्षमता रखता है सर। ओके, तो सर मैं बताना चाहूंगा कि आपने तो नया ब्रांच खोले हैं, तो किसान भाइयों को तो उस टाइप का कुछ नया प्राइस भी तो आपको देना पड़ेगा पहले से। देखिए, हम बहुत कुछ ना कुछ जरूर करेंगे जी, किसान भाइयों के लिए। जी, जी। हम बात कर लेते हैं, अगर रेट की बात करते हैं तो सबसे पहले इन्हीं मॉडल की मैं बात कर लेता हूं, ठीक है। ये जो हमारे पहले मॉडल आते थे वो 57,000 में हम लोग देते थे, जिसमें 57,000 रुपए में किसान भाइयों को ये पावर वीडर मिलता था। अब जो किसान भाई बिहार से, मुजफ्फरपुर से लेके जाएगा या हमारी किसी भी ब्रांच से लेगा, उनके लिए रेट सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए होने वाले हैं। मतलब 50,000 में आप 57,000 का मशीन 50,000 में देने वाले हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। और वही सेम सब टोटल सब कुछ वही चीजें मिलेंगी, जितना ये मशीन दिख रहा है इतना मिलेगा। एक इसमें 32 ब्लेड का किसान भाइयों को रोटावेटर मिलेगा जो कि एडजस्टेबल होता है। सर गारंटी वारंटी की बात करें तो? सर गारंटी तो हम हमेशा ही से देते हैं, एक साल की फुल गारंटी भी रहेगी इंजन गियर बॉक्स की। अगर इंजन गियर बॉक्स में कुछ भी पार्ट खराब होता है तो वो पार्ट फ्री ऑफ कॉस्ट किसान भाई के घर पे पहुंचेगा और लोकल मैकेनिक से वो रिप्लेस करवा सकते हैं। इसके बारे में बताइए, ये कितना पड़ेगा किसानों को? सर इसके लिए अभी मैं किसान भाइयों के लिए 5,000 रुपए की स्पेशल छूट लेके आया हूँ। ये पहले ओरिजिनल कामा इंजन के साथ हमारा 85,000 का था, अभी सिर्फ और सिर्फ ये 80,000 रुपए का मिलेगा किसान भाइयों को। 80,000 में आप ये देने वाले? बिल्कुल, मात्र 80,000 रुपए में किसान भाइयों को 40 ब्लेड के रोटावेटर के साथ देने वाले हैं। और जिसके की हम देख सकते हैं, आपको बताएंगे, हमने इसमें कुछ भी चीजें एडवांस भी कर दी है। और किसान भाइयों को ये भी पता होगा, दिन पर दिन महंगाई बढ़ रही है, डॉलर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, हम रेट फिर भी वही रखने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, एकदम सही बात है। उसके साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी नया जो डीजल इंजन नया लॉन्च कर रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से दोस्तों, तो इसका तो प्राइस कम एकदम बिल्कुल करवाएंगे, आप टेंशन मत लो आप लोग। तो सर इसका प्राइस बताइए और कम कितना करिएगा वो भी बताइए। देखिए सर, जो हमारा ये पौने 8 HP डीजल इंजन है मैनुअल स्टार्ट में, इसमें हम लोग एक 32 ब्लेड का रोटावेटर देते हैं और जिसमें कि एक टूल बॉक्स में लाइट का भी प्रोविजन दिया है और डीजल इंजन में। ओके, आमतौर पे जो 8 HP के इंजन रहते हैं वो 65,000 रुपए से ऊपर के ही होते हैं। हम किसान भाइयों को सिर्फ और सिर्फ 60,000 रुपए में देने वाले हैं। 60,000 इस पे हमें 5,000 रुपए की स्पेशल डिस्काउंट है और ये जो डिस्काउंट है वो सभी 31 जनवरी 2022 तक के लिए वैलिड है। जी जी, तो सर जो नया प्रोडक्ट आपका 7.5 HP में आया हुआ मैनुअल स्टार्ट, इसका क्या करने वाले हैं सर? इसमें भी मैं धमाका देने वाला हूँ किसान भाइयों को। जी, जितना ये आपको 7.5 HP का पेट्रोल इंजन मैनुअल स्टार्ट विद सुपर टर्बो फिल्टर के साथ और 5.5 लीटर की टंकी के साथ रेट सिर्फ और सिर्फ 38,000 देने वाला हूँ। मतलब इतना कुछ चेंज करने के बाद भी 38,000 में ही देंगे आप? बिल्कुल, 38,000 के साथ ही देने वाले हैं, जबकि इसकी कॉस्टिंग हमारी बढ़ चुकी है, फिर भी मैं किसान भाइयों के हित के लिए सिर्फ और सिर्फ 38,000 में ही देने वाला हूँ। नया ब्रांच नया धमाका, आप लोग सुन लीजिए, ठीक है, मनोज सर ने लाइव बता रहा है, मात्र 38,000 में। आप मशीन देखिए, मशीन का क्वालिटी देखिए, परफॉर्मेंस देखिए, और आपको इतना कम में आपको लगता है पूरा इंडिया में पता नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, विद 1 ईयर की गारंटी के साथ कोई नहीं देगा सर। सही बात है सर। उसके बाद दो इधर दिख रहा है छोटू, इसके बारे ये भी देखिए सर, जो हमारा ये मॉडल है छोटा वाला, ये हमारा जो 2 HP का 52 cc का 2-stroke का इंजन आता है, जो किसान भाई इसको लेगा इसको 20,000 रुपए रेट था, बट स्पेशल डिस्काउंट है सिर्फ 2,000 रुपए का। जो किसान भाई इस हमारे मिनी बीटर को लेगा उनको सिर्फ और सिर्फ 18,000 रुपए पड़ने वाला है। मात्र 18,000 में वो किसान भाई लेकर के अपना काम कर? बिल्कुल बिल्कुल सर, और बहुत ही हैवी मशीन है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की मशीन है सर। ओके, उसके और इसके बाद इसका देखते हैं, जो किसान भाई ये 3 HP का 2-stroke का इंजन लगे विद 16 ब्लेड रोटावेटर के साथ, इनमें पहले हमारा 25,000 रुपए रेट था, 1,000 रुपए का स्पेशल डिस्काउंट रहेगा, 24,000 रुपए का रहने वाला है। 24,000 में ये आप देने वाले? बिल्कुल सर। और सर इसमें तो किसान भाई भेली नाली भी बना सकता है? सब है इसके साथ किसान भाई, जैसे नाली बनाने का काम है, सब्जियों में मिट्टी चढ़ाने का काम है, लेवलर है, 3 टन का कल्टीवेटर है, वो भी रहता है, कादों भी करता है सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और उसके बाद ये रीपर और जो मशीन लगा हुआ, इसके बारे में प्राइस क्या करने वाला है सर? देखिए, जो अभी धान का सीजन निकल के गया है, इसमें हमने बहुत से रीपर बेचे हैं।
किसान भाइयों, तो गेहूं के लिए ये काम कर पाएगा? बिल्कुल सर, काम करेगा ये। हमने जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताई, हमारा मल्टी क्रॉप है। अच्छा। मल्टी क्रॉप में किसान भाई गेहूं, धान, मक्का, बाजरा, चरी, बरसी, मूंग, उड़द, सोयाबीन, ठीक है, इन सभी फसलों की वो कटाई कर सकते हैं। ठीक है, ये मल्टी क्रॉप है, बहुत ही हैवी में है, हैवी क्वालिटी के साथ। जो किसान भाई इस रीपर को लेना चाहते हैं उनके लिए मैंने अलग अलग रेट रखे हैं। 8 HP पेट्रोल इंजन, हैवी ड्यूटी इंजन के साथ जो मशीन लेगा, 48,000 रुपए का पावर मीटर है और 48,000 के रीपर है। अगर कोई किसान भाई कंप्लीट लेना चाहता है तो 96,000 का है, 96,000 रुपए। जो रीपर का प्राइस है वो 48,000 रुपए है। इसके बाद जो किसान भाई डीजल इंजन में लगाना चाहे तो डीजल इंजन ले सकता है। तो सर बहुत जबरदस्त आपने मशीन और प्रोडक्ट दिखाया, कुछ नया मॉडल जैसे आप लोगों को दिखाया, तो मैं बताना चाहूंगा कि आपको बिहार में खोलने का क्या रीजन था सर, ये बता दीजिए। देखिए क्या होता है, हमारा सबसे बड़ा रीजन ये था जी। देखिए, हम चाहते हैं किसान भाइयों को डोर स्टेप तक पहुंचे, उनके द्वार तक जाने की हमारी कोशिश है। देखिए, हमको कोई फियर नहीं है, कोई डर नहीं है, हमारी मशीन अच्छी है, ठीक है, हमारा सर्विस अच्छा है, तो हम कहीं पर भी जा सकते हैं, ठीक है। तो और क्या है ना, जैसे हम लोग अब बिहार में आ गए, बिहार में किसान भाई के लिए एक और चीज है जो सब्सिडी वाला मैटर रहता है जी। उनके लिए बहुत जरूरी सूचना ये है कि बिहार सरकार रूल लेके आई है जी। कि जो डीलर बिहार से होगा, जिनका बिहार जीएसटी सर्टिफिकेट बिहार से होगा, उनको ही वो सब्सिडी देगा, अदरवाइज वो अगर और कहीं से लेगा तो वो सब्सिडी नहीं मिलेगी। और उसके साथ साथ तो आपको सर्विस भी देना है, बिल्कुल नजदीक में नहीं होगा तो सर्विस नहीं दे पाओगे। देखिए, हम जितने नजदीक होंगे किसान भाई को उतनी ही जल्दी सर्विस दे सकते हैं जी। हमारी जो खेती जो मशीन है वो खेती किसानी के टाइम में होता है, और खेती किसानी का टाइम सिर्फ 10-15 दिन का होता है। अगर उसी बीच में किसान भाई की मशीन खराब होगी तो उसका सीजन ही निकलेगा, कोई मतलब नहीं रहा, ठीक है। तो हम चाहते हैं किसान भाई को बेस्ट सर्विस दे सके, इसलिए हम लोग मुजफ्फरपुर बिहार में ओपन कर दिया है। किसान भाई यहाँ पे आके विजिट के करके यहाँ से देख सकते हैं, हमसे जानकारी ले सकते हैं। जो किसान भाई लेना चाहते हैं वो यहाँ से ले भी सकते हैं। जो किसान भाई कहीं से भी लिया, अगर उनको पार्ट्स की जरूरत है, बहुत से किसान भाई हमारे बिहार से हैं, उनको पार्ट्स नहीं लिया, अगर उन्होंने और कहीं से मशीन ले लिया तो हमारे यहाँ से वो आके पार्ट्स भी ले सकते हैं जी। तो सर और एक मैं बताना चाहूंगा, अभी तो आप जैसे मार्केट में निकल चुके हैं, तो मेरा कहने का मतलब ये है, मार्केट में आप जैसे निकले हैं तो आप किसानों को और कम में देने सकेंगे, यही सोच करके ही आप मार्केट में निकले। क्या होता है, जब हम पास में पहुंचेंगे तो क्या होता है, हमारे जो बीच के खर्चे हैं वो भी कम हो जाएंगे, और जो बीच के कुछ दलाल है वो भी खत्म हो जाते हैं। सही बात, ठीक है। इसलिए हम लोग हर स्टेट में एक एक ब्रांच करने की, ऐसी हमारी अगर किसान भाइयों का सहयोग रहा तो फिर हम लोग जरूर करेंगे। तो अभी हर स्टेट में आने वाले हैं। अभी आपका कहाँ कहाँ ब्रांच है फिलहाल, वो बता दीजिए। सर हमारा ब्रांच जैसे मेन ब्रांच इटावा यूपी में है, उसके बाद यूपी में हमारी दूसरी ब्रांच अयोध्या में है, और तीसरी ब्रांच बिहार में हमारी मुजफ्फरपुर में है, चौथी ब्रांच हमारी टाटा नगर जमशेदपुर में है, जो हाँ जमशेदपुर झारखंड में है। जो किसान भाई बंगाल से है, उड़ीसा से है या झारखंड से है, वो टाटा नगर जमशेदपुर जा सकते हैं। ओके, और जो मतलब बिहार से है जो किसान भाई, वो डायरेक्ट मुजफ्फरपुर को कौन नहीं जानता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल मुजफ्फरपुर आ जाओ, देखो समझो, मशीन डेमो लो, उसके बाद आप खरीदारी करो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाला। तो वीडियो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और मनोज सर का प्रोडक्ट कैसा लगा, मशीन कैसा लगा, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे इसका डिजाइन, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और इसी तरह से नया नया ब्रांच ओपन होगा मनोज सर का, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि मोबाइल के द्वारा ही आपको सूचना मिलेगा कि कहाँ पर ब्रांच ओपन हो रहा है। तो तब तक के लिए मनोज सर को और हमें भी इजाजत दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद। किसान जय किसान।